नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूं, ये आगरा शाहगंज क्षेत्र आलमपाड़ा की रहने वाली वर्षा रघुवंशी का है। वर्षा रघुवंशी को कुछ वर्ष पहले इस लॉकडाउन, मतलब जो ये लॉकडाउन था एक डेढ़ साल के अंतराल पे प्रेम हो गया, और वो अपने प्रेम के लिए, फहीम कुरैशी से प्रेम होने के पश्चात उसे अपने प्रेम के लिए अपना धर्म त्याग कर जोया बनना पड़ा और इस्लाम कबूल लिया उन्होंने। उसके बाद वो, उनका कहना था कि अब उनकी ज़िंदगी जो है वो जन्नत से भी बढ़कर हो जाएगी। और शादी के दो तीन दिन तो बड़े अच्छे बीते, लेकिन उसके बाद जो शाकाहारी वर्षा रघुवंशी उर्फ जोया, जो जोया बन चुकी थी, उन्होंने कुछ शर्तों पे शादी करी थी। उन्होंने कहा था तुम मुझे वेजिटेरियन रहने दोगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ नाम के लिए तो इस्लाम कबूलना है और तुम्हें जो करना है अपना करते रहना, और खाना पीना तो तुम्हारी मर्ज़ी का है। लेकिन हुआ उसका विपरीत, जो हुआ वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो फहीम कुरैशी और उसकी माँ वगैरह उससे मीट धुलवाने लगे, खून से सना हुआ उसको। ऑब्वियसली एक शाकाहारी लड़की, उसे कभी बर्दाश्त नहीं होता, वॉमिटिंग आ जाती, उल्टी आ जाती। उसके बाद उसको मारते पीटते, उसका उल्टी में ऐसे बाल यूं करके मुँह डालते, और उस कभी उसके पैर हाथ बांध देते, और जो घर में जो भाई भाई आते उसके शरीर को छूते, और वो चीखती चिल्लाती रहती। फिर ससुर जो है वो भी बदतमीजी करता। उसके बाद एक दिन तंग आके उसने अपनी बहन को फ़ोन करा, उसने कहा मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसे रोज़ मारता पीटता था और यही सब हरकतें हो रही थी, उसके हाथ पैर बांध के। पता नहीं अब आगे करवाता कुछ था या नहीं करवाता था, जो गुर फलाला होता है, लेकिन शरीर के अंग उसके ऐसे करके टच जरूर करवाता था, ये जो सुनने में आ रहा है लोकल लोगों से। उसके बाद उसके जो माँ बाप हैं, जब उसका शव है कुछ दिनों बाद लटका हुआ मिला, कि और कहा गया कि उसने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन पोस्टमार्टम वगैरह में सारी बात सामने आ गई। और वहाँ पर जब ये लोग गए शव लेने के लिए, तो वहाँ के जो मोहल्ले के जो शांति प्रिय लोग हैं, उन लोगों ने उन शांति का परिचय देते हुए खूब ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया, और वो जो आपको मालूम है नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो नारे लगाने शुरू कर दिए, मारो काफिरों को, ये सब कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद लड़की पे ही आरोप लगाने लगे निम्न नाना प्रकार के, और सुनने में आ रहा है कि शायद उसके भ्रूण में बच्चा भी था, मतलब उसके पेट में भ्रूण भी था, मतलब बच्चा होने वाला था कुछ ऐसा था। और उसके पूरे सारे शरीर पे, जंगांग में चोट के निशान हैं, मारपीट के निशान हैं, और कुछ सिगरेट धागे के निशान हैं। तो जिन जिन लड़कियों ने अपने लिए फहीम कुरैशी, इकबाल, मुर्शीद, खुर्शीद, जुनैद, आफ्ताब, ये सब ढूंढे हुए हैं ना, उन लड़कियों को ये सीख लेना चाहिए, एक बार ये सुन लेने चाहिए किससे, कि ये जो प्यार है आपको कहाँ लेके जाने वाला है, जो एक महीने से कम में ही सब हो जाता है, फारी हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं वर्षा रघुवंशी उर्फ वर्षा और रघुवंशी से बनी जोया कुरैशी की ज़िंदगी जैसा अपना खात्मा करना, नरक बनाना, तो प्लीज़ फिर ऐसे चक्कर चलाते रहना। और ये जो मीठी मीठी बातों में फंस जाती हो, तो मैं 10 बार कहा है कि पहले 1 साल का वक्त लो और उससे कहो कि मुझसे दूरी बना के रखे, नो किसिंग, नो हग, नथिंग, और मेरे लिए पहले काम करके दिखाए। और मेरे धर्म में आए। और दूसरी चीज़, अगर ये भी ना करो तो अच्छा है कि अपने ही धर्म में चुनो, क्योंकि ये वो भी नाटक कर लेंगे, ये भी मुझे पता है तुम्हें बदलने के लिए, क्योंकि बदलोगी तो तुम ही, चाहे वो नाम के लिए बदलो कुछ, और घर वाले तो छोड़ेगा नहीं तुम्हारे लिए, तो कहीं ना कहीं वो दबाव रहता है। और वो चाहे वो बचपन से पड़े हुए लोग होते ना, कि क्रिश्चियन फैमिली में डेविड हेडली पड़ा था, बाद में क्या हुआ, वो आया कुछ दिन के लिए वहाँ पर पाकिस्तान, और पूरा ब्रेन वॉश हो गया और पूरी ट्रेनिंग लेके मारने मुड़ने गया, और आपको बाकी पता ही है कि ताजमहल होटल में क्या हुआ। तो इसीलिए दोस्तों, इनके झांसे में ना आइए, 10 बार बताती हूँ लड़कियों, और सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना ऐसा ही अंजाम होगा, मार मुड़ के पंखे में लटका दी जाओगी, फिर तुम्हारे चरित्र में आरोप होगा, और तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो पत्थर खा रहे होंगे, अपना सर फुड़वाते हुए वहाँ से निकल रहे होंगे, और लाश भी वही लेके जाएंगे, क्रियाक्रम भी वही करेंगे तुम्हारा। हाँ, ये तो चाहते थे दफन हो जाए और सारे राज दफन हो जाए, उसका पोस्टमार्टम भी ना हो। इसी संदेश के साथ आपको छोड़े हुए जा रही हूँ। क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के साथ, आपको छोड़े हुए जा रही, क्या सोचते हैं इसके बारे में? और कई लोग कहेंगे अच्छा हुआ इसके साथ, मैं कहती हूँ शायद ऐसा होता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, शायद ये वक्त रहते समझ जाती। और वो भी देखो, वर्षा रघुवंशी है, इसको तो आपका कुल का मान बढ़ा के रखना चाहिए था, और इसने पूरी नाक कटा दी। चलिए, मजबूर माँ बाप लेने आए, लेकिन वो
शव भी नहीं मिल पाया। आई थिंक शव मिला लेकिन जिंदगी उसमें जान नहीं थी। मरी हुई बेटी लेके गए, वो भी अंतिम कार्य वही उन्होंने करे, वो भी वो आदमी नहीं निभा पाया जिसके साथ उसने अपने माँ बाप को छोड़ के निकाह पड़ा और अपना धर्म छोड़ा, अपनी पहचान बदली। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी पहचान होती है, वही हम किसी के लिए बदल रहे हैं। तो सोचिए, जिस पहचान के लिए उस आदमी ने हमसे प्रेम करा और वही अब पहचान मिटाने पे अपने साथ लाने के बाद वो पहचान मिटा रहा है। अब जैसे मैं प्राची अधिकारी हूँ, प्राची सिंह अधिकारी हूँ, कोई मुझे प्रेम करे तो वह जानेगा कि प्राची सिंह अधिकारी को प्रेम कर रहा है और अब वो अपने पास ला के मुझे बदल रहा है। तो इसका मतलब वो मैं उसको तब पसंद नहीं थी कि अब पसंद नहीं। तो मेरे माँ बाप की आइडेंटिटी इतने सालों तक मुझे पाल पोस के बड़ा करा, वो आइडेंटिटी कोई चेंज कर दे, गवा रहा है आपको ना। चलिए, खानदानी बनिए, गरीब हो या अमीर, खानदानी बनिए। तो अपने खून को प्योर रखिए, किसी अंटशंट आदमी के साथ ना चाहिए, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, जो आप कास्ट कहते हैं, मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, बस हिंदू होना चाहिए, बौद्ध होगा वो भी चलेगा, बौद्ध मतलब वो सच में बौद्ध होना चाहिए, ये वाला बौद्ध नहीं जो नकली बौद्ध बनते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि बौद्ध कोई मूर्तियों का अपमान नहीं करते। आप मूर्ति ना पूजिए लेकिन मूर्ति तो रखते ही ना गौतम बुद्ध की, वो कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है, हमारे सारे सनातन के पंथों में ऐसा होता है, लेकिन अपमान भी नहीं करते, ये चीज़ आप जान लीजिए। अगर आप नहीं पूछते हैं, नहीं पूछिए, क्योंकि प्रभु को जाने के कई मार्ग हैं, लेकिन ये मार्ग जो यहाँ अपनाया गया तो हवाई किताब के मुताबिक है और उसमें इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि शांति तो छोड़िए, उसमें तो एक मानवता की बात नज़र नहीं आती, अपने आप में ही बातों में विरोधास्पद चीज़ें हैं। एक कहता है मारो, फिर एक कहता है सबको सबके साथ सही सलूक करो, फिर एक कहता है कि काफर को छोड़ो मत, फिर ये जो दोनों चीज़ें उल्लू बनाने के कर रखी हैं ये आपको बताइए। चलिए, इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़े भी जा रही हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लोग दूर रहिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।